परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड की रिपोर्ट दी एवं उसे परेड निरीक्षण का आग्रह किया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर के आग्रह को सहर्ष स्वीकार किया और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, बल के महानिदेशक महोदय एवं परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर सवार। वाहन समय की गरिमा के अनुरूप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को लेकर धीरे धीरे परेड की ओर आगे बढ़ता है। बाई ओर के दर्शकों ने जोरदार तालियों से अभिनंदन किया माननीय मुख्य अतिथि देते हैं। आपके युवाओं और सभी छात्रों इसके प्रदर्शन को देखते हुए काफी प्रभावित है। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय से परेड की कार्य के अंदर भी ढेर सारी तरह है जो मैं कोरोना के कार्यक्रम को हमारे देश भर के पुलिस कोरोना के कालखंड में जनता को अपनी संवेदनशीलता का परिचय, सीआरपीएफ भी इसमें पीछे नहीं, हर जगह जहां तैनात थी वहां और हर जगह जहां पर सीआरपीएफ के पास अस्पताल उपलब्ध था जनता की सेवा में सीआरपीएफ ने एक सर्वे के साथ काम किया है। मित्रों, इस क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को अपनी ही भाषा में देश और दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है इसके समाचार सीधे मिल पाएंगे। इससे देश और दुनिया के साथ उनका संपर्क और उनकी जानकारी भी सबूत होगी, इसका मुझे विश्वास। आज यहाँ पर नारी शक्ति थीम पर आयोजित सलामती ये दोनों के लिए देश की जनता का संपूर्ण भरोसा इस बल पर है और वो आपके साहस और सौम्य के आधार पर ही निर्मित हुआ। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सेना का मुकाबला करते हुए एक अदम्य साहस और बलिदान की भावना का परिचय देते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने शहादत दी और वो शहादत को अमर रखने के लिए कृतज्ञ देश ने 31 अक्टूबर को ही पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाने का निर्णय किया। वो सीआरपीएफ और देश के गृह मंत्री दोनों के लिए बहुत गौरव का विषय है और आज हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं जब 84वें स्थापना दिन के दिन बस्तर में यहां खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं, उस वक्त सीआरपीएफ के स्वर्णिम इतिहास को लिखते लिखते 2249 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। मैं आज इस मंच से कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सीआरपीएफ के उस सभी 2249 जवानों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों जनों के साथ हमारी एकता और उनके साथ खड़ी रहने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता हूं। एनपीजी का डिजिटल चैनल लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।